इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजकुमार श्रीमती रंजू, पुत्री राशि दोहिता गगन, श्रीमान प्रदीप कुमार श्रीमती मंटू, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री मनीष श्रीमती सुनीता, पुत्री आयुषी, पौत्र एवं पौत्री जयांसी अरहम, पुत्री श्रीमती सोनल एवं दामाद श्री अक्षय जी, श्रीमान अनिल कुमार जी श्रीमती संजू, पुत्र एवं पुत्री शुभ वंशिता, पुत्री श्रीमती रितिका एवं दामाद श्री रूपम जी, श्री सुनील कुमार श्रीमती संगीता, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री सौरभ श्रीमती अंजलि, पुत्री शैली, समस्त काला परिवार दाढ़ी वाले मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य की धर्मधरा भूणी नावा स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 13 से 15 जून 2023 के मध्य वेदी व शिखर शुद्धि का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पंडित श्री जिनेश भैया जी के दिशा निर्देशन में आयोजित हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए धर्म लाभ लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मांगलिक दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सैकड़ों वर्ष प्राचीन श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर भूणी नावा का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 13 से 15 जून 2023 तक मंदिर में पंडित श्री जिनेश भैया जी के दिशा निर्देशन में वेदी व शिखर शुद्धि का 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 13 जून 2023 को मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत मंगल पाठ के साथ की गयी। मंगल पाठ के उपरांत श्रावकों ने प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंत कराय सत्य ज्ञानाय सत्य परमने धन्यन फणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्य का श्रावक सर्वे का प्रमुख चतुसंगोपसर का विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामयम पूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्यतः पोत्य नाम अगले क्रम में कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर माला एवं पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प पर प्यार की माला श्री बरे स्वागत सत्कार के बाद श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में मंडल शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। मंडल शुद्धि के पश्चात श्रावकों ने श्रद्धा भाव से प्रभु को श्रीफल अर्पित कर नमन वंदन किया। स्वाहा।
अग्नि कुमार दिवाई कृपा जगत जी को सिद्धि का मक्षद में ये गौण चित्त जहां प्रति जाओ तहां आराधना की है स्तुति की है वंदना की है अब हमारा सौभाग्य जागृत हुआ है एक बार फिर इस मंदिर जी का पुनः जीर्णोद्धार करके हम लोग धूमधाम से भावनापूर्वक निर्विघ्न श्री जी को वापस वेदी पे विराजमान करेंगे। अगली कड़ी में प्रभु को मंदिर जी से शिरोधार्य कर समारोह स्थल तक लाकर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु के शीश पर कलश धुराते हुए जलाभिषेक एवं शांति धारा कर मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित किए। जय श्री ओम नमः सिद्धिवे जय श्री ओम नमः सिद्धिवे श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भवतेश मते पाशतंगराय द्वादश कर्म विश्राम शुभ ज्ञान पदाय सुगे सुभ सिद्धाय बुद्धाय परमात्म को नमस्कार तिलक विवाप्ताय अनंत संसार चक्र मो विन्दाय अनंत अंतरे मन में हाल कर जा जना दो गुरु कुमार जी मेरे अंतरे मन में। कार्यक्रम के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाओं को भक्तिभाव से करने के साथ मंडल जी पर क्रमवार श्री फल समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अग्नि में खेवो सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा सम देवतावा। सायकाल में श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित किया। अगले दिन यानी 14 जून 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं ने श्री जी के नित्याभिषेक एवं मंत्रोच्चारण के मध्य शांति धारा करने के साथ की। शांति सौजनानंदनम सभव्यानंद सगोकुलानंदनम सरग्राम नगर के संवाहानंदनम सलोकानंदनम। अगली कड़ी में श्राविकाओं ने मंगल कलश शिरोधार्य कर घट यात्रा का शुभारंभ किया। बैंडबाजों की ध्वनि के मध्य गंतव्य की ओर बढ़ती हुई घट यात्रा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। ओ
समस्त भक्तगढ़ घट यात्रा को हर्षोल्लास के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर समारोह स्थल तक लेकर पहुँचे। घट यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया, तो वहीं सोगानी परिवार भूणी वाले द्वारा मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया गया। साथ ही विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा, युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे। ये पर्दा हटा दो, जनता ऋषि करा दो, ये पर्दा हटा। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि विधान के साथ वेदी शुद्धि की शुभ क्रियाओं को करते हुए मंगल कलश स्थापित किया। इसी क्रम में श्राविकाओं ने मंदिर जी के शिखर पर हल्दी के थापे लगाकर एवं शिखर ध्वज की शुद्धि कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। शिखर ध्वज शुद्धि के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के मध्य जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरति भवति शुभते पार्श्वे तंगराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुभ कल्याण। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित, अखंड दीप प्रज्वलित एवं श्री चंद्र प्रभु मंडल विधान की मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सायकाल में श्रावक श्राविकाओं ने संगीत बद्ध वातावरण में प्रभु की मंगल दीपकों से सामूहिक आरती कर अपने जीवन को धन्य बनाया। समापन दिवस यानी 15 जून 2023 को सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के नित्याभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ की। कलशों से धारा बहाए, धाए देखो जग त्रिपुरारी। शांति धारा करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित करने के साथ साथ कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया।
अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक विधान की मांगलिक क्रियाओं को कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रीमज्जी नैन्द वंद जगत शांतवादनाय गमन चतुष्यायम श्रीमूल संघ सुसाम हेतु प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय सच्चिच्चरादिवलबोध सदा प्लवाय सस्य स्वभाव परभाव विवास कविनानि विविधानि वलंग वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। विधान की क्रियाओं को करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व शांति की मंगल भावना भाई। अर्घम समर्पयामि। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने प्रभु को समारोह स्थल से पालकी में विराजमान कर मंदिर जी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर सोगानी परिवार भूणी वाले द्वारा श्री जी को श्रद्धा भाव के साथ वेदी में विराजमान किया गया, तो वहीं गंगवाल परिवार कान की पश्चिम बंगाल द्वारा मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वज दंड पताका स्थापित की गई। नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा रही। समारोह के समापन बेला पर श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। असम निवासी भूनी नामा प्रवासी हमारे यहाँ 3 दिन का 13, 14, 15 तीन दिन का हमारे यहाँ छोटा पंच कल्याणक हुआ। वेदी प्रतिष्ठा में भगवान जी को बाहर निकाल करके वापिस हमने श्री जी को विराजमान किया और पूरे नगर का भ्रमण किया। हमारे यहाँ शांति विधान का प्रोग्राम हुआ था, शाम को खूब सुंदर आरती का भी प्रोग्राम किया गया था। 14 तारीख को घाट यात्रा हुई, घाट यात्रा में सभी कोई शामिल हुए। उसके बाद में वेदी शुद्धि हुई, वेदी शुद्धि के बाद में श्री चंद्रप्रभु भगवान को बाहर विराजमान किया गया। इसमें 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था जिन्होंने चलना हमें बहुत अच्छे से प्रोग्राम में दिखाया था, कहीं कमी नहीं रखी थी उन्होंने। हमारे आज 15 तारीख को सुबह हवन हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। श्री जी का भ्रमण हुआ था तब उनमें भी उन्होंने पूरा सहयोग किया था और उन्होंने हमारे जब जब प्रोग्राम उन्होंने पूरा साथ दिया था। 48 दीपक पक्ता मर्जी के 48 क्रू का हुआ था, उन्होंने पूरा प्रोग्राम दिखाया था। राजस्थान राज्य की धर्मधरा भूणी नावा स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए वेदी व शिखर शुद्धि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु के शीश पर कलश ढुराकर अभिषेक किया, तो वहीं श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में वेदी शुद्धि कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित वेदी व शिखर शुद्धि के पावन दृश्यों का आनंद लिया। आपको बताते चले कि राजस्थान राज्य की धर्मधरा भूणी नावा स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 13 से 15 जून 2023 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों ने पंडित श्री जिनेश भैया जी के दिशा निर्देशन में विधान मंडल की मांगलिक क्रियाओं को कर जीवन का सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकुमार श्रीमती रंजू, पुत्री राशि दोहिता गगन, श्रीमान प्रदीप कुमार श्रीमती मंटू, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री मनीष श्रीमती सुनीता, पुत्री आयुषी, पौत्र एवं पौत्री जियांसी अरहम, पुत्री श्रीमती सोनल एवं दामाद श्री अक्षय जी, श्रीमान अनिल कुमार जी श्रीमती संजू, पुत्र एवं पुत्री शुभ वंशिता, पुत्री श्रीमती रितिका एवं दामाद श्री रूपम जी, श्री सुनील कुमार श्रीमती संगीता, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री सौरभ श्रीमती अंजलि, पुत्री शैली, समस्त काला परिवार डाड़ी वाले मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।